की नेमत माँ मिला जवाब के मेरा मकान खाली है। वालेकुम अस्सलाम। मैं नौदरे से तमीना बात कर रही हूँ। जी तमीना मैं खुश आमदेद सुबह हिदायत में। शुक्रिया। मैं चाहूँगी कि जिस तरह हम मौलूद काबा की आज खुशियाँ मना रहे हैं और तमाम लोगों को हम अपनी खुशियों में शामिल कर रहे हैं जी। तो बहुत से मोमिनीन और मोमिनात जो पिछले साल इन खुशियों में शरीक थे लेकिन अब वो शहर हमोशा की जीमत बने हुए हैं, उनको भी खुशियों में शामिल किया जाए। बेशक बेशक। तो इस हवाले से मैं गुलाबी रसूल खुदा की एक हदीस मुफसरन बयान करना चाहूंगी। गुलाबी रसूल खुदा ने अपने साहब से फरमाया कि अपने मुर्दों के लिए हदिया किया करो। उन्होंने अर्ज किया कि हम उनके लिए हदिया किस तरह कर सकते हैं, तो फरमाया कि उनके लिए हदिया दुआ और सदका है। गुलाबी रसूल खुदा फरमाते हैं कि अपने मुर्दों के लिए जब वो सदका करते हो, हदिया करते हो, और आज तो जुमे का दिन जो इतना मुबारक दिन भी है और सदके की बरकत से जुमा बहुत ज्यादा ताकीद भी की गई है। बिल्कुल सही बात। जो मरहूमीन है वो अपने अपने घरों के बराबर आसमान पे बुलंद होते हैं बरोज़े जुमा, और वो पुकार कर कहते हैं अपने अयाल से और अपने वालदेन से अपने करबा से कि हमारे लिए सदका करो, चाहे वो एक रुपया, एक रोटी या कपड़ा हो, जो खुदा की राह में खर्च करो। जब मोमिनीन के मरहूमीन के लिए सदका किया जाता है, जनाबे सुले खुदा फरमाते हैं तो एक फरिश्ता उस सदके को एक नूरी तश्तरी में रखकर उस मोमिन की कब्र के पास ले जाता है और उस तश्तरी में से नूर की शुआएं बुलंद होती हैं, और जब वो मुर्दा वो तश्तरी अपनी कब्र में ले लेता है तो उसकी कब्र में वहां लेटने की जगह फराख हो जाती है। और जो सदका करता है किसी के लिए तो खुदा उस पर इस कदर मेहरबानी करता है कि उसके लिए ओहद के पहाड़ के बराबर स्वाब लिखा जाता है, और रोज़े क़यामत वो अर्श इलाही के साया में होगा, हालांकि इस दिन अर्श के कहीं साया ना होगा। मालूम होगा कि इस सदके के वसीले से जिंदा और मुर्दा दोनों ही निजात हासिल करते हैं। और ये शिकायत भी बयान हुई है कि रसाल के गवर्नर को ख्वाब में देखा कि वो कह रहा था मेरे लिए सदका दो, अगरचे वो ऐसी चीज हो जो तुम अपने कुत्तों के आगे फेंकते हो कि मुझे इसकी भी जरूरत है। और मुर्दे पुकार कर कहते हैं कि उस माल में से हमारे लिए सदका दो जो हमारा छोड़ा हुआ है, जो माल हमारा था और उस पर उससे फायदा कोई और हासिल कर रहा है। तो तमाम मोमिनीन और मोमिनात को आज इनकी बहुत ज्यादा मुबारकबाद, बहुत सैन जिंदाबाद। सुभान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया बहन, और बहुत ही मुफीद बातें की। हम लोग तो जो जिंदा है वो तो मिल जुल के हम खुशियाँ मना लेते हैं, लेकिन जो लोग अर्श पे चले गए, जो अपने खाल की हकीकी से जा मिले, उनके लिए भी हमें उनको याद रखना चाहिए और जितना हो सके सदकात और दुआ जरूर करनी चाहिए। अगले कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। साना बहन और फारूक भाई, आपको मेरी तरफ से और तमाम अहले ईमान को ज़हूर जनाबे मौलाए कायनात की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अली सैयद स्पेन से अर्ज कर रहा हूँ। बिल्कुल सही अली सैयद साहब, बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक जी। और माशाल्लाह आज आप बहुत ही, आपका पूरा सेट बहुत खूबसूरत लग रहा है। अल्लाह ताला आपको इसी तरह चमकता दमकता रखे और हमारे इस पूरे चैनल को हमेशा ता क़यामत आबाद शाद रखे। मेरी दुआ बस दिल में ठंडक पड़ती है जब आपके चेहरे और जितने भी उलमा इकराम और ज़ाकिर निज़ाम और जितने भी सवाल जो आपके सिलसिले हैं, जितने भी प्रोग्राम है, एक से बढ़कर एक है। जिसकी भी तारीफ करो वो कोई दूसरे से कम नहीं। आपकी मोहब्बत है माशाल्लाह। और एक मौला अली की शान में कसीदा पढ़ना चाहूंगा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मद आले मुहम्मद। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ, ये सोचता हूँ कभी कभी मैं, कभी कभी मैं ये सोचता हूँ, ये सोचता हूँ कभी कभी मैं, आदम को जिसने वजूद बख्शा, वजूद को फिर नमूद बख्शा, नमूद को ताजगी अता की,
अता की हद हशर से बढ़ा दी, हर एक जर्रे को जिंदगी दी, शऊर को जिसने आदगी दी, है जिसका हर शह पे नाम कंदा, वो कौन है जिसका मैं बंदा। कभी मैं ये सोचता हूँ, ये सोचता हूँ कभी कभी मैं, वो नूर जिसमें है नूर उसका, वो फहम जिसमें शऊर उसका, वो नक्श जिसमें है वो समाया, वो जिस्म जिसका नहीं है साया, जो पाराए नूरे देवा है, तमाम आलम का आसरा है, जमीन पे रहमत का समा है, फलक पे वो जिसका मेहमा है। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ, ये सोचता हूँ कभी कभी मैं, अजब है बंदा खुदा नुमा सा, खुदा नहीं है खुदा है लगता, खुदा ही जैसा सलाम उसका, खुदा ही जैसा है नाम उसका, हर एक जा उसका नूर भी है, जला चुका कोहे तूर भी है, हवा चुका से आ रही है, अली अली गुनगुना रही है। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ, ये सोचता हूँ कभी कभी मैं। बहुत शुक्रिया, हमारे मोहतरम अली सैयद साहब स्पेन से हमारे साथ थे जी। अगले कॉलर शामिल करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। जी थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगी। इटली से बात कौन बहन जी? अंकल अंकल आपको बहुत बहुत मुबारक हो मामाजी की विलादत के लिए। खैर मुबारक, जीती रहे बेटा, अपना नाम बताइए। बैठी हुई देख लो, मैं सबको बहुत बहुत मुबारक बोलूंगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मैं आज के सवाल के जवाब भी देना चाहूँ की इमाम अलैहिस्सलाम की परिवार का नाम जो उसका था। माशाल्लाह बेटा, तो अपना नाम दोबारा बता देंगे बेटा आप हमारे जी? आप अपना नाम दोबारा बता दीजिए ताकि आपका नाम कुरान दाजी में शामिल कर ली। पहले मैं मुस्ताद बात कर रही थी से करके अल्लाह ने दोनों को शाही दे दी, एक को दूसरे की पुष्ट पनाही दे दी, शक हुआ चांद मोहम्मद की शहादत के लिए, बहुत सारी दुआएं आपके लिए बेटा, बहुत शुक्रिया।